ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜ਼ੁਹੇਬ ਪੈਡੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਹੇਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜ਼ੁਹੇਬ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਫਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल सारे, उम्मीद है तुम सारी हाड़ी नाल होगे। तो यार जिन्हें जिन्हें अभी तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया कर दियो सबसक्राइब, तो बैल लाइक ओनू कर दियो ऑन। तो यार तुम सारे कहते हो कि अज नूना मूना बन के नवे तपड़े छपड़े पा के बंदा कितने चलिया हैर ते है सही। अज हैर जी, अज असी चले हाँ बॉर्डर वाली साइड से। थंबनेल से तुम पता चल गया होगा कि अज अं मिलन चले हाँ ज़ुहेब पेडू। जी हाँ, अज अं ज़ुहेब भाई मिलन चले। उन्होंने बराल मैं इंस्टाग्राम से भी मैसेज किए हैं, अगे पिछे भी मैसेज किए हैं, मैसेज उन्होंने सीन किए हैं, लाइक किए हैं, बराल उन्होंने अगू रिप्लाई नहीं किया। यूट्यूब से भी कमेंट वगैरह किए हैं कि अं तुम्हें मिलन आ रहे हैं, उन्होंने लाइक किया अगू जरा ना यानी रिप्लाई वगैरह नहीं किया। तो उन्होंने मैं पिंड के एक बंद को पूछा ही, मुंडा ही एक, उन्हें कहा भाई जी तुम आओ टेंशन कोई नहीं, अब ज़ुहेब भाई मिलने तो हूँ जरा ना बस अं नोने मुने बन गया, हूँ असं निकलन लगे। अच्छा तकरीबन एक घंटे का रस्ता उन्होंने पिंड का। तीन दिन मैं रिसर्च करता रहा कि बाबा जी बंदा है तुझा लगता सियालकोट ही है। फिर मैं यूट्यूब तो वीडियो कट के वेखिया रात जो मैं काम तो आता सी आके मैं वीडियो वेखिया। फिर उस बाद मैं लोकेशन पाई, फिर मैं पता चलिया कि ज़ुहेब भाई है साढ़े नाल ही बॉर्डर वाली साइड के पिंड उतुदे ने। तो हूँ जो बस इन्होंने मुने बन गया, तो मैं तो मतलब घटिया दिया बस हूँ मेरी गड्डी पेंचर रटो, मेरी पेंचर हो गई, उन्होंने जाके पेंचर लवा के जरा ना बस असं तकरीबन 12 बजे इतों निकलेंगे, तो एक बजे अं उ जा पुजा। तो फिर जाके वेखने कि ज़ुहेब भाई भला सू लभद ने या नहीं। असी जरा ज़ुहेब भाई मिलन घरों निकल आए हैं, तो हाँ ड्रैवर ही बहुत ज़्यादा हैवी किस्म वाला, तो ऐसी ड्रैवरी चैक करो, ऐसी स्पीड चैक करो कि किन्नी स्पीड के नाल मलक रियाज जरा ना वो डिलैवरी कर रहा है। तो इस टाइम जरा ना बड़ा ही VIP रोड है, जिसे मलक रियाज 120 की स्पीड से जरा ना गड्डी चला रहा, तो बस उड्डी जा रहा, वीडियो फास्ट नहीं की हैगी, उड्डी जा रहा है जी। तो यह बार्डर एरिया जी जी ए जे तुम्हें बूटे नज़र आ रहे हैं, ए तो पार जरा ना 0 लाइन है, इंडिया का बार्डर है। तो इतों लंघदा डर ही लगता वा कि डल साइड इन्ना शुरू हो जाते हैं। अं ज़ुहेब भाई के पिंड आ चुके हैं, तो यह उन्होंने पिंड की स्टार्टिंग है। तो हूँ बस जरा ना किसी को पुछ के तो उन्होंने घर की तरफ जरा ना असी जान लगे। तो फाइनली उत्थे जरा ना दो भाई खड़े हैं, उन्होंने को असी पूछा ज़ुहेब भाई का घर, तो बिल्कुल इन्होंने घर के सामने जाके जरा ना अभी उन्होंने को पूछने पे। उन्होंने ज़ुहेब भाई ने बुलाया, बहरहाल यार मैं तुम्हें की दसा, बड़ा ही शहजादा बंदा है, ठीक है। तो वाला साहब भी हाँ जी हैं साढ़े ना इंज पा गल करता है, जिम्मे अभी तो पता नहीं बचपन तो जरा ना एक दूसरे को जानने हैं, इंज जरा ना अभी एक दूसरे ना फ्रैंक होए हाँ। कि इन्हों थोड़ा जहा शुगल मेला लाया, शुगल मेला ला के जरा ना तस्वीर वगैरह बनाई ने, तो इन्होंने कहा तुम केवल हडमरा ले आओ, तो हडमरा लवाइए, अं वे कोल ही रहने, इन्हों का पिंड भी वेख्या, तो तुम भी आ के जरा ना हाडा पिंड वेखो। तो कहने हैं इंशाला असी लाजमी आवेंगे। जी तो असं जरा ना ज़ुहेब भाई मिल के आए हैं, तो बड़ा ही मज़ा आया ज़ुहेब भाई के नाल। बड़ा ही जरा ना चेंज वीडियो के फनी बंदे ने ना, उंझ ही फनी बंदे ने, बाकी बड़ा ही अच्छा बंदा यार, ठीक है। ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਂਸਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ੁੱਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੇਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਹਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਫੈਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕੱਢਣ। ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੁੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਛੁੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੱਲ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨੇ ਆ। 4 hours later. जी तो ज़ुहेब भाई नू मिल के जरा ना तो पूरा शहर घूम के, तो असी हूँ आए हाँ घर वापिस, तो हूँ जरा ना नेरा वगैरह पै गया, तो घर वापिस आए हैं, तो थकावट हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि तकरीबन इतों एक तो सवा घंटे का रस्ता ही ज़ुहेब भाई के पिंड जाते उतरू, सानू राह भी नहीं पता है जरा ना, बार बार लोकेशन ऑन करके तो अं उ पुजी हाँ राह पुछ पुछ के। तो हूँ जरा ना वेखो ये मैं पीन लगा मैं दुध, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी पिछले जब तबीयत वाहवा खराब हुई थी, तो अभी भी जरा ना मेरी तबीयत वगैरह खराब होंगी है भाई, तो जिदा करके जरा ना अपना थोड़ी बहुत सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए है। दुध ऐसे जरा ना दुध बहुत ज़्यादा जरूरी है, दुध जरा ना टन टन पी भी दिता, तो पिंड जरा ना तुम्हें पता है हालस दुध ही लभद, शहरा जरा ना पाउडर वगैरह तो लभदा कोई नहीं। खैर इतने मैं करना वा अपने ब्लॉग का एंड, तो बाकी मैं तुम्हें दसदा जावा कि ज़ुहेब भाई जरा ना बड़े ही अच्छे इंसान ने, ठीक है। यानी मेरा जिंदगी का पहला मीटअप ही किसी के नाल, किसी यूट्यूबर के नाल, या उंज भी कोई ला लो सैलीब्रिटी ला लो,
ठीक है। किसी के नाल मेरा पहला मीटअप भी है, तो पहले मैं कभी किसी के नाल नहीं मिले, पर अल जी दे उहदे नाल मैं मिले एन जी सी जी यार मेरा बचपन का कोई यार हुंदा यार दोस्त। बाकी उन्होंने वीडियो जरा ना मैं कुछ आपी भी नहीं बनाई, ठीक है, बस उन्होंने एक दो तस्वीर भी लई है, तो शुगल वगैरह उन्होंने काफ़ी लाया तकरीबन अद्धा पौना घंटा उन्होंने को खलोते हैं। बाकी यार बड़ा ही ताबेदार बंदा वो, ठीक है, ते बड़ा ही अच्छा, तो यानी जिंज आम जहा बंदा होंगे साढ़े यार उही सीन है, ठीक है, अभी भी माड़े बंदे हैं ते वह भी साढ़े यार ही जरा ना एवं बंदा पियांदा कि जी पैसे आई जाते इंज तो उंज बरा लो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल साढ़े यार ही। मैं भी उन्होंने मजाक करना पा, वो भी मैं मजाक करता ही पा, ठीक है, वो वाल साहब भी साढ़े को खलोते हैं, उन्होंने भी जरा ना खूब गप शप लाई, वह भाई ही उन्होंने भी मिले हैं, ठीक है। बाकी बड़ा अच्छा बंदा है, तो इंशाल्लाह जरा ना उन्होंने किसी टाइम टैम किया दे आए, हूँ वेखो एक दो बार फिर कहेंगे कि टाइम काट के हडमरा ले आन, उन्होंने हडमरा ला तो फरावा डरावे। बाकी यार गुड बंदा है, फिर मैं एक बार कहना, ठीक है, मजा आया मिलके। खैर इतने मैं अपने ब्लॉग का करना वा एंड, तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना ज्यादा तो ज्यादा, तो टन टन जरा ना सब्सक्राइब करया करो, तो मेरे जरा ना ब्लॉग के थले वीडियो के थले जरा ना कमेंट करया करो कि मेरी वीडियो तुम्हें कैसी लगती है, तो कितों कितों मेरी वीडियो वेखी जाती है, भी खासकर जरा ना यह कमेंट लाजमी करया करो, ठीक है, तो अलावा बस सब्सक्राइब कर देना, तो लाइक कर देना यार, तो वीडियो में पूरा वेखिया करो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे वीडियो जरा ना टन टन पाई जमा करा ब्लॉग से, ब्लॉग सुटी जमा करा, ठीक है, तो और अलावा मिलने यार नेक्स्ट व्लॉग के हूँ जरा ना ठंड बड़ी लगती है भी, ठीक है, मैं लेटर लगा क्योंकि ठंड बड़ी हो गई है, तो दुध भी मेरा ठंडा होंगे पे, पी के जरा ना मैं बस लेटर लगा, तो मैं दो ज़्यादा मिलने अगले व्लॉग के, उदू तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।